अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज की वीडियो में आप सब भाइयों को खुशामदीद कहता हूँ। तो जैसे कि आप मेरे आगे मेडिसिन पड़ी देख सकते हैं, तो पिछली वीडियो में मैंने आप सब भाइयों को बताया था कि ये मेडिसिन यूज करने के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किन पॉइंट पे यूज करनी है और किस तरह से आपने यूज करनी है, किन से कितनी क्वान्टिटी होनी चाहिए। तो जैसे कि जिस जो मैंने वीडियो बनाई थी विब्रामाइसिन के ऊपर, उसके बाद मैंने कहा था कि आपने दो दिन विब्रामाइसिन कैप्सूल यूज करवाने हैं आपने, ताकि आपके ब्लड का कोई भी किसी किस्म की वैक्सीनेशन जो है होने वाली है तो वो क्लियर हो जाए। उसके बाद जो है ये आपको मैंने कहा था ये यूज करवाने हैं विब्रामाइसिन की वैक्सीनेशन के बाद आपने ये सिरप आपने यूज करवाने हैं। तो आपने किस तरह से यूज करवाने हैं और क्यों यूज करवाने हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये सिरप का काम क्या क्या है। ये तीनों सिरप जो मेरे सामने पड़े हैं, ये आपके ब्लड को किस किस्म का फायदा पहुंचा सकते हैं। तो जैसे कि ये पैनाडोल है, और गर्मियों के मौसम में अक्सर हमारे ब्लड डिहाइड्रेशन हो जाते हैं, उसकी वजह से ब्लड को बुखार भी हो सकता है और भी कोई मसला हो सकता है। ये पैनाडोल उनका बुखार के लिए होता है, ताकि ये हमने तकरीबन ये 15 मिलीग्राम ये हमने इस बोतल में तकरीबन इसी क्वांटिटी के हिसाब से, मैं आपको क्वांटिटी आगे चल के बता देता हूँ, तो ये क्वांटिटी के हिसाब से हमने इन बोटल्स में डालते जाना है। तो ये बुखार के लिए है, और ये जो फ्लेजर है और ये जो एंटामाइजोल है, इन दोनों को भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये फ्लेजर सिरप जो है ये आप यूज़ करवा सकते हैं जी अपने परिंदों को। ये देखें, ये सिर्फ पानी और सिरप लगा हुआ है, अच्छे तरीके से शेक करना आपने। तो ये आपने यूज़ करवाना है इनके, मतलब कि कोई मोशन लगे हो आपके बर्ड के, ठीक है। ये बिल्कुल मोशन के लिए यूज़ होता है, कि आपके बर्ड को कोई मोशन है या कोई पेट का मसला है उसके लिए ये यूज़ होता है। तो ये भी आपने लाजमी यूज़ करवाना है। ये तीनों सिरप आपस में आपने मिला के यूज़ करवाना है, ये पूरा एक फार्मूला बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ गया जी एंटामाइजोल, इसका भी बहुत अच्छा एक किरदार है, ठीक है, आपकी बर्ड फार्मिंग के लिए। ये आपके बर्ड का इम्यून सिस्टम बेहतरीन स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके बर्ड का इम्यून सिस्टम ऐसा होगा कि आपका बर्ड हर चीज़ को हजम कर जाएगा, आपका बर्ड हर चीज़ को इजीली डाइजेस्ट करेगा। और ये दोनों सिरप जो है ये तकरीबन सेम काम करते हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क है बाकी ये सेम काम करते हैं। और ये दोनों आपने लाजमी डालने हैं, ये तीनों सिरप, ठीक हो गया, पैनाडोल, फ्लेजल और एंटामाइजोल। तो एंटामाइजोल जो है आपके बर्ड के इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बाद ये बर्ड ना ही ये सिरप बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ये सिर्फ इजीली आपको 300-400 रुपये में ये सारे सिरप मिल जाएंगे। तो चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो हमने यूज़ कैसे करवाना है। तो ये लें जी, ये मेरे पास है जी 15 ग्राम का एक स्पून, ठीक हो गया, ये आप देख सकते हैं 15 मिलीमीटर जो इसमें मेडिसिन आ सकती है हमारी। तो सबसे पहले हम यूज़ करवाएंगे जी पैनाडोल, इसको अच्छे तरीके से शेक कर लेंगे, उसके बाद हम उसको खोलेंगे। तो ये इसके ऊपर एक सील होती है, तो जैसे कि मेरे पुराने सिरप ख़त्म हो चुके हैं, वैसे वो ऊपर पड़े हुए हैं, लेकिन ये मैंने न्यू मंगवाए हैं। मैंने कहा चलें आप भाइयों के साथ भी शेयर करता हूँ। तो विब्रामाइसिन की वैक्सीनेशन के बाद आपने ये लाजमी आप अपने परिंदों को यूज़ करवाना है, ताकि आपके परिंदे बिल्कुल हेल्दी और एक्टिव हो जाएँ सीज़न से पहले पहले। ये नहीं है कि आपका एक परिंदा बीमार है तो आपने सिर्फ उसी को ही यूज़ करवाना है ये। तो ये आप देख सकते हैं जी, ये पूरा भर के हमने डाल दिया इसमें। तो ये लेंगे, ये आ गया जी हमारा, ये 5 लीटर पानी में मैंने 15 मिलीग्राम डाला मैंने। तो ये 5 लीटर का गैलन है, 15 मिलीलीटर हमने इसमें डाल दिया, वो ढक्कन गिर गया। अच्छा जी, अब आ गया जी हमारा फ्लेजल सिरप, इसको हमने अच्छे तरीके से शेक कर लेना है, जैसे कि मैंने शेक पहले भी किया लेकिन अच्छे तरीके से शेक करके उसके बाद ये लेंगे। ये भी आपने सेम क्वांटिटी में डालना है, इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं एंटामाइजोल आ गया हुआ है, तो एंटामाइजोल को भी हम इसी तरह ही सेम तरीके से यूज़ करवाएंगे, इसको भी हमने अच्छे तरीके से शेक कर लिया हुआ है, ये आपके सामने है। तो ये लेंगे, ये तीनों सिरप इसमें तो हो गए हुए हैं, अब हम जो है ये 2.5 लीटर पानी है हमारा, इसमें हम किस तरह से यूज़ करवाएंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कितने लीटर पानी में कितना ml यूज़ करवाना है। तो ये देखें जी, ये 7 ml का 7.5 ml का चम्मच है, तो 7.5 ml का स्पून है इसमें हम, ये देखें जी, ये 7.5 ml 2.25 लीटर की बोतल में हम ये डालेंगे, ये लें
ये आपके सामने है, दूसरे को भी खोल लेते हैं। तो ये लेंगे 7.5 ml इसमें डाल गया और 7.5 ml इसमें डाल गया, तो वो 5 लीटर का अकेला है, इस वजह से उसमें 15 ml का जो है सिरप डाला है। तो ये लेंगे, इसके बाद आ गया जी हमारा पैनाडोल। तो ये देखेंगे 7.5 ml पैनाडोल, और 7.5 ml पैनाडोल, इसमें पैनाडोल को भी बंद कर देते हैं। उसके बाद आ गया जी फ्लैजल सिरप, इसको आपने फ्लैजल को अच्छे तरीके से शेक करके डालना है, क्योंकि फ्लैजल जो है पाउडर वाला सिरप होता है, इसके नीचे पाउडर बैठ जाता है इसका। तो ये भी 7.5 ml डालेंगे हम इसमें, ये हो गया जी हमारा एक सिरप वाली बोतलें हो गई हमारी तैयार। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे सारे जो है पानी वाले बर्तन मैंने निकाले हुए हैं, तो वो मैं इनको भी भर के डालूंगा। जिस भाई के परिंदे सिरप वाला पानी नहीं पीते, वो भाई ऐसा कर सकता है, रात को बर्तन निकाल सकता है और सुबह जो है वो पानी सर्व कर सकता है। लेकिन कोशिश करें, आजकल गर्मी है, रात को बर्तन ना निकालें। अगर मजबूरी है, जिस भाई का परिंदा पानी सुबह मेडिसिन वाला पानी नहीं पीता, उसकी तो मजबूरी है। अगर आपका परिंदा पानी पी लेता सुबह मेडिसिन वाला, तो आप पानी ना बर्तन ना निकालें। मैंने ये बर्तन अभी निकाले हैं सिर्फ जस्ट 5-7 मिनट 10 मिनट पहले, ये सिरप बनाने से पहले, ताकि मैं जैसे ही सिरप बनाऊँ और अपने परिंदों को सर्व कर दूँ। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, उतने के लिए अल्लाह हाफिज़।